Assalamualaikum जी all dear friends, my new video is about sugar cane. So I can understand you for the my crop sugar cane and characteristic introduction all about. So let's do videos. So जी आज मेरी वीडियो का जो अनुमान है जो वो है मेरा गन्ना, मेरी गन्ने की फसल. सो अगर आपको विजिबल है कि ये जो स्टॉक है रूट स्टॉक ये मेज़ का है. हमने जो शुगर क्रेन लगाया था वो भारिया मकई में लगाया था. ये उसका बाकियात है, रूट स्टॉक है. क्योंकि हम उस टाइम शुगर के इनके हालात ऐसे नहीं थे कि हम इंटरकल्चरिंग करें, ठीक है ना. अब आप देख खुद देख सकते हैं कि पहले एक था मदर टिलर, एक था. अब उसके सेकेंडरी और टर्शरी और प्राइमरी टिलर देखें. अब ये एक टिलर मदर टिलर निकला था, इससे अब देखें तकरीबन 10 से 12 टिलर निकले हुए हैं. भारिया मकई से ये बाद का है. इससे इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक बोरी यूरिया और एक बोरी डीएपी प्लस इसके साथ जिंक और साथ में कार्बोफिरान ड्रॉप किया है इसके इधर ग्रोइंग पॉइंट में. आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फसल का रिजल्ट आ रहा है. ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है अबाउट शुगर केन. तो हमने देखा कि पहले बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था. आप मेरी प्रीवियस अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि जो मेरा पहले कंडीशन थी शुगर केन की, मतलब हमने भारी मकई की हार्वेस्टिंग की थी, उसका साइलेज बनाया था. तो उस जो मशीन थी उसको उसने शुगर केन के टिलर को क्रश किया, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं, इंतहाई अच्छे हैं. बिल्कुल ये हरा खड़ा है, सामने देखें उसने. अब मैं खाता हूँ आपको, पहले इसको बता लूँ. आप देख सकते हैं बिल्कुल हरा खड़ा है, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना. अब इसको कोई डिजीज़ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट में जा रहा है, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है. इसकी बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि इसकी बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन होगी. अगर आप टिलर की बात करें, अब अगर आप प्लांट की बात करें तो ये चेक करें, बहुत ही अच्छे टिलर आए हुए हैं. अब हर एक टिलर से एक मिच्योर और अच्छा और मोटा शुगर केन गन्ना निकलना है, ठीक है ना. अब एक गन्ने ने आगे जाकर बहुत ही अच्छी वेट गेन करना है और अच्छा ही प्रोडक्शन देनी है, यील्ड देनी है. अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारी ये गन्ने की फसल, ये हमारी तकरीबन और भारी मकई से तकरीबन हफ्ता पहले भारी मकई हमने लगाई रिजिस बनाकर, और उसके बाद हमने इसमें जो शुगर केन के वो उसे कहते हैं सम्मा, जिसे कहते हैं रूट, मतलब हमने जो प्लांटेशन करते हैं शुगर केन की, हमने खेलियों में उसके घेर कर ऊपर थोड़ा सा मिट्टी लगा दी. अब उसके बाद भारिया मकई में उसने नहीं इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, लगता ऐसे था कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बीमारी पड़ गई है, कीड़ा पड़ गया है, कोई समझ नहीं आ रही थी, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे. लेकिन जब भारिया मकई की हार्वेस्टिंग हुई तब हमने देखा कि कुछ ना कुछ प्लांट हैं. लेकिन अगर अगर इसने हमने इससे
प्रोडक्शन लेनी है तो इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अल्लाह पर उम्मीद थी, हमने बहुत ही दिल लगा कर मेहनत की, अब रिज़ल्ट अपने आपके सामने है। ज़बरदस्त किस्म की फसल है, बहुत ही हाई प्रोडक्शन देने वाली फसल लग रही है। अगर देखा जाए, इसकी मुआवजना किया जाए, भारी मकई में लगा हुआ कमांद और जो मतलब के मौसमी कमांद है ऐसे, उसमें कुछ चीज़ भी निकल आई, ओनली ग्रो किया गया है कमांद। अब ये सामने आप देख रहे हैं कि ये इसकी हाइट भी बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम से खड़ा हुआ है, तो अकेला इसने इसमें कोई किस्म की फसल नहीं लगाई गई। अगर आप इसके टिलर की बात करें तो एक प्लांट के टिलर तकरीबन 8 हैं। एक मिनट आप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकल आए हैं।